नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं चिम न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। बॉलीवुड की फिल्म निर्माताओं के संगठन इम्पा और क्रू मेंबर टेक्नीशियन स्पॉट बॉय सेट निर्माताओं और लाइटमैन के संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के बीच इन दिनों ठन गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि FWICE ने फिल्म निर्माताओं के संगठन द्वारा माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने तक की धमकी दे डाली है। FWICE के अध्यक्ष BN तिवारी, महासचिव अशोक दुबे और कोषाध्यक्ष गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ने संयुक्त बयान जारी कर इम्पा के उन आरोपों को कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें इम्पा ने FWICE पर अपनी यूनियन के सदस्यों से मुंबई से सटे कर्जत इलाके के शूले परिसर में बन रहे दादा साहेब फाल्के आवासीय योजना के नाम पर पैसा उगाही करने का आरोप लगाया है। FWICE ने इस योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा है कि दरअसल कुछ फिल्म निर्माताओं ने अपने श्रमिकों और टेक्नीशियंस का भुगतान नहीं किया है। इसके खिलाफ उन्होंने श्रम विभाग में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इम्पा अब FWICE पर बेबुनियाद आरोप लगाकर ऐसे भुगतान ना करने वाले निर्माताओं की मदद करने के प्रयास में है। FWICE ने जिन निर्माताओं ने टेक्नीशियन और श्रमिकों का भुगतान नहीं किया है उनकी सूची भी जारी की है। FWICE ने डिफॉल्टर निर्माताओं की सूची सार्वजनिक करने के साथ ही इम्पा को चेतावनी दी है कि अगर यदि उनसे माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।